तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे आसान इस सांभर की रेसिपी को। ना ही हम इसमें किसी सब्जी का यूज़ करेंगे, बहुत ही कम सामान के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे और इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। और सबसे खास बात यह है कि ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी अरहर की दाल को लिया है, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। इसे 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। 4 आलू लिए हैं, जिसे इस तरह से छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से पीसेस में से कट कर लें। यहाँ पर एक कुकर रखा है और हमने दाल को धोकर भिगो कर रखा था, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए जिन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और पानी को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। 2 टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया था इस तरह से, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च जिसे इस तरह से लंबा बीच में काट लिया था, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच ही नमक को डालेंगे। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने तेल का डाला है, तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। तो देखिए 4 से 5 सीटी आ चुकी हैं। अब ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो दाल है और आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को लिया है, दूसरी तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें इमली को डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ले ली है। और यहाँ पर तेल में राई, हींग और प्याज को डाल दिया बिल्कुल बारीक काट कर। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर मैंने एक साथ डाल दिया है। और यहाँ पर प्याज को जो है हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। दूसरी तरफ अब इसे बंद कर देंगे ताकि जो इमली अपनी खटास पानी में अच्छे से छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पर प्याज हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर मैंने 1 टमाटर जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद टमाटर को पकाने के लिए यहाँ पर चुटकी भर इसमें नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा नमक को ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने सांभर मसाले को ऐड किया है, उसे भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भुना है। तो देखिए साइडों से थोड़ा थोड़ा तेल सेपरेट होने लगा है। तो जब तेल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तब तक हमें इसे मसाले को भूनना है। तो देखिए यहाँ पर तेल अलग से दिखाई देने लगा है। बस इस स्टेज पर गैस बंद कर इस मसाले को सांभर में डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना पतला या गाढ़ा सांभर रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने सांभर को 2 घंटे के लिए ढककर रख दिया था, क्योंकि जो हमने इमली को उबाल कर रखा था उसने अच्छे से खटास छोड़ दी है। अब उस पानी को छान कर इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इमली को ऊपर से करछी से दबा देंगे ताकि जो सारी इमली की खटास है अच्छे से सांभर में पहुँच जाए। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा सांभर बनकर हो गया तैयार। अब इसे एक उबाल दे देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो आप इसे सांभर, वड़ा, इडली, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और सबसे ख़ास बात यह है कि सांभर की ये बिल्कुल फटाफट बिना सब्जियों के झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमने कोई फालतू सब्जी ऐड नहीं करी, सिर्फ आलू और दाल से इसे बनाकर तैयार करा है और खाने में इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं फिर से एक और इस तरह की नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।